हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पैन कार्ड का फॉर्म हम कैसे फिल करते हैं, उसे कैसे फिल करना है। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों पैन कार्ड का फॉर्म है, ये सब पैन कार्ड का फॉर्म है। ये फॉर्म भरने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने दो फ़ोटो चिपकाना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के साइड में। जो लेफ़्ट हैंड के साइड का फॉर्म का जो लेफ़्ट हैंड साइड है, उस साइड में आपको उसके ऊपर फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉस साइन करनी है। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आपको राइट में आपको साइन करना है। इसके बाद आपको आपका नेम यहाँ पर डालना है, एज इट इज़ आधार कार्ड पे जैसा आपका नाम है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद देखिए, आपको सबसे पहले नाम मेंशन करते वक्त यहाँ पे आपका टाइटल, प्लीज़ सेलेक्ट द टाइटल, और टाइटल आपको जो है वो टाइटल सेलेक्ट करना है, जैसा श्री, श्रीमती, कुमारी, मिसेस। ये तीन टाइटल श्री, श्रीमती, कुमारी इंडिविजुअल पर्सन के लिए होते हैं। मिसेस ये फर्म या कोई आपकी कंपनी हो या आपका बिजनेस हो उसके लिए यूज़ किया जाता है टाइटल। श्री जो 18 साल से ऊपर जो भी बच्चे या कोई मेल जेंडर रहेंगे उनके लिए श्री टाइटल यूज़ होएगा, और श्रीमती टाइटल्स मैरिड जो लेडी रहेंगे, वुमेंस रहेंगे उनके लिए है। कुमारी जो अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं उनके लिए होता है। जब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका लास्ट नेम सरनेम मेंशन करना होता है, तो आपको तो या मेरा सरनेम है चौधरी, तो मैं चौधरी मेंशन कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट नेम विकास, जैसा एज इट इज़ आपके आधार कार्ड पर है वैसे ही आपको एज इट इज़ आपको आपका नेम यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आप आज कल जो फॉर्म ऑनलाइन इसकी रिसीट निकाली जाती है उसमें फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें आपके आधार कार्ड पे जैसी डिटेल्स है वैसी डिटेल्स होना पैन कार्ड के लिए आपको यहाँ भरना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद आपका फिर सबसे पहले सरनेम लिखो, फर्स्ट नेम लिखो, मिडिल नेम लिखो, या कोई ऐसा कोई कोई जो रहते हैं मतलब कोई के कई जगह पे उनके सिर्फ आधार कार्ड पे नाम मेंशन होता है, उनको सिर्फ उनके सरनेम में ही उनका नाम लिख के भरना है, क्योंकि उनको टाइटल उन्होंने उनका यूज़ नहीं किया रहता टोटल सरनेम उसी लिए। उसके बाद उनको यहाँ पे पैन कार्ड पे नाम कैसा प्रिंटेड चाहिए वैसे उनको लिखना है। जैसा मैंने लिखा विकास जगन्नाथ चौधरी, हर नाम के बाद नाम में मिडल नेम के लिए यहाँ पे एक एक पेस आपको छोड़ना है। इसके बाद इधर आपको सवाल पूछा गया है, हैव यू नोन बाय एनी अदर नेम, तो यहाँ पे नो करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे कट मार दीजिए, ये कॉलम की आपको ज़रूरत नहीं, जो आपका नाम दूसरा कोई नहीं है तो जेंडर पे समझ, मेल है तो मेल पे कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे कीजिए। इसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैंने मेरा डेट ऑफ बर्थ डाला है, डे मंथ ईयर, इस फॉर्मेट में आपकी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, डे मंथ ईयर, तो मैंने अपने डे लिख दिया 21/12/99। उसके बाद आपका डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे इस कॉलम में डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स में आपको फादर नेम मेंशन करना है, यही फॉर्मेट में करना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। तो मैंने फादर का नेम मेंशन कर दिया है, लास्ट नेम चौधरी, फादर का नेम जगन्नाथ, और आपका जैसे दादा लोग रहेंगे, दादा रहेंगे या वाई लेडीज लोग रहेंगे, मैरिड रहेंगे, उनको वहाँ उनके माँ के यहाँ का नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा इस जगह पे, मतलब जैसा उनकी घर का, जैसा मतलब उनके घर पे जो नाम रहेंगे उनके माँ के इधर वो डालना है, सरनेम भी और फादर नेम भी। मदर्स नेम डालना है तो डाल सकते, नहीं भी डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। फादर्स नेम पे क्लिक कीजिए, या ये पैन कार्ड पर आपको फादर्स नेम प्रिंट होकर आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पर डालिए, जैसा आपका इस तरह एड्रेस डालिए कि जब आपके घर पर पैन कार्ड स्पीड पोस्ट से आता है या कुरियर से आता है वो पहुंच जाए। इसके बाद ऑफिस एड्रेस, आपका ऑफिस एड्रेस आप लगाते हो तो आपके लिए आपके एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के लेटर की आपको ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे कटी मार दीजिए, आप रेसिडेंट पे करिए। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आप इंडिया का पैन कार्ड इंडिया का ही होता है इसीलिए आपको कंट्री कोड डालना है, +91 और 99 मेरा नंबर डाल दिया है, यहाँ पे आप अपना नंबर डालिए। इसके बाद आपको आपका स्टेटस ऑफ अप्लीकेंट, तो मैं मेरा इंडिविजुअल कर रहा हूँ, जैसा HUF रहेंगे तो HUF, कंपनी, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, जैसा
बिजनेस लेंगे उनके लिए ये सब, इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर एज इट इज जैसा रहेगा आधार कार्ड के ऊपर, वैसा आपको डालना है आपका आधार नंबर, नाम जैसा आधार कार्ड पर प्रिंट होगा उस तरह यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है सैलरी, नो इनकम जो रहेगा नो इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन को टिक करना है। इस तरह टिक करने के बाद आपको यह फुल नेम फुल एक्सपेंडेड नेम इनिशियल आर नॉट परमिटेड यहाँ पे आपको कट मार देनी, यह भरने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आई आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देनी है, आई हैव इंक्लोज आधार एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मैंने आधार कार्ड लिखा है तो आधार कार्ड ही लिया, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार कार्ड ही यूज़ किया है। उसके बाद आप बर्थ के लिए क्या कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो, पुराने आधार कार्ड जो होते थे उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो आप जैसा आपके बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट यूज़ कर रहे डेट ऑफ बर्थ के लिए, या जैसा बर्थ सर्टिफिकेट जो भी यूज़ करें यहाँ पर मेंशन कीजिए। और उसके बाद आपको लिखना है आपका नाम मेंशन करना है यहाँ पे, आई या वी, ये कंपनी का नाम डाल के रहेगा, या आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल विकास जगन्नाथ चौधरी करके नाम डालिए। उसके बाद आप कैपेसिटी इंडिविजुअल HUF जो भी रहेगा जो यहाँ पे आपने टिक किया है, देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल इस तरह यहाँ पे भी इंडिविजुअल लिख दीजिए। और उसके बाद कौन से प्लेस में आप फॉर्म सबमिट करें प्लेस डालिए और उस दिन का डेट, और यहाँ पे साइन कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, यह आपको पैन कार्ड की जानकारी है। आप कुछ भी कोई दिक्कत रहे तो मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम रहे उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।